कश्मीर मसले पर हर बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने फिर से संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को लेकर एक पत्र लिखा है। इस पत्र में कुरैशी ने एक बार फिर से भारत के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। कुरैशी ने इस खत में लिखा है कि पाकिस्तान भारत द्वारा किए गए जम्मू कश्मीर के बंटवारे को नहीं मानता है। पाक के विदेश मंत्री ने इसको गैरकानूनी घोषित किया है। उनके इस पत्र को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजा गया है। पाकिस्तान का कहना है कि जम्मू कश्मीर को बांटकर दो केंद्र शासित प्रदेश बनाना सुरक्षा परिषद प्रस्ताव का उल्लंघन है। आपको बता दें कि इस मसले पर पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र को लिखा गया यह छठा पत्र है। लिहाजा यहां पर यह बताना कोई मायने नहीं रखता है कि पाकिस्तान के पहले पांच पत्रों का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र में क्या हश्र हुआ है। दरअसल अगस्त 2019 को भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर इसका पुनर्गठन का बिल पास किया था। इसके तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। इस घोषणा के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि सरकार ने इस फैसले को लागू करने के दौरान बेहद सावधानी बरती थी। इस दौरान आतंकियों का सफाया जारी रहा। पाकिस्तान की समस्या यह है कि भारत लगातार आतंकियों के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अपना रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए उसकी सीमा पर बैठे आतंकियों का भारत में घुसना मुश्किल हो रहा है। इस वजह से पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। वहीं उसकी धुन पर राग अलापने वाले नेता अभी भी नजरबंद है। गौरतलब है कि 5 अगस्त के बाद से ही पाकिस्तान ने कई देशों में भारत के खिलाफ अपने तय एजेंडे के मुताबिक दुष्प्रचार किया। इसके बावजूद चीन को छोड़कर उसका साथ किसी ने भी नहीं दिया है। चीन ने भी इसलिए उसका साथ दिया क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान ने हथियार रखा है उसका कुछ भाग वह चीन को दे चुका है। यहां से ही पाक चीन कॉरिडोर भी निकल रहा है। इन दोनों देशों की समस्या सिर्फ यहां तक ही सीमित नहीं रही है। असल में भारत ने जम्मू कश्मीर का जो नया नक्शा जारी किया है उसमें साफ तौर पर गुलाम कश्मीर समेत गिलगित बलूचिस्तान को शामिल किया गया है। भारत की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि वह इस हिस्से को वापस लेकर रहेगा। यह डर कुरैशी के पत्र में भी साफ तौर पर दिखाई देता है। इस पत्र में कुरैशी ने राजनाथ सिंह के उस बयान को अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ बताया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है और उसे भारत वापिस लेगा। इतना ही नहीं, कुरैशी के पत्र में जनरल बिपिन रावत के उस बयान पर भी आपत्ति जताई गई है जिसमें उन्होंने कहा था कि अपना भूभाग वापस लेने के लिए सेना को सिर्फ सरकार के आदेश का इंतजार है। जनरल रावत ने यह भी कहा था कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के लॉन्च पैड को नष्ट किया है। इस बयान पर कुरैशी का कहना है कि भारत को इन लॉन्च पैड की सही लोकेशन की जानकारी पाकिस्तान को देनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं दी। कुरैशी ने अपने पत्र में यहां तक लिखा है कि उनकी जमीन पर कोई भी आतंकी कैंप मौजूद नहीं है, जबकि इसकी हकीकत खुद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान बयान कर चुके हैं। उन्होंने माना था कि पाकिस्तान की जमीन पर हजारों की संख्या में आतंकी मौजूद है। इसका एक प्रमाणिक तथ्य है एफएटीएफ द्वारा पाकिस्तान को ग्रे सूची में बनाए रखना भी है। यहां पर पाकिस्तान या कुरैशी को यह बताने की जरूरत नहीं है एफएटीएफ ने यह फैसला क्यों लिया है। गौरतलब है कि सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक की बात को पाकिस्तान झुठलाता रहा है, जबकि इन दोनों हमलों का सबूत भारत ने अंतरराष्ट्रीय जगत को मुहैया कराए थे। कुरैशी ने अपने पत्र में भारत पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगाया है, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान लगातार सीमा पर हमले कर रहा है। गौरतलब है कि यह हमले आतंकियों को घुसपैठ कराने के मकसद से करवाए जाते हैं। पाकिस्तान लगातार कश्मीर को लेकर झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के भाषण में भी इमरान खान ने इस झूठ को ही फैलाया था, लेकिन दुनिया ने इसको नहीं माना है। खुद पाकिस्तान के नेता मानते हैं कि कश्मीर पर इमरान की मुहिम बुरी तरह से विफल साबित हुई है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की नाराजगी इसका जीता जागता उदाहरण है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।